फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रॉकिंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई विल शो यू हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल सबलाइन टेक्स्ट ऑन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग सबलाइन टेक्स्ट को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और उसमें एक सिंपल सा HTML लिखेंगे और उसको रन करके देखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते। तो सबलाइन टेक्स्ट एक कोड एडिटर है, ठीक है। तो हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। पहले तो कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन करना है और गूगल में जाके आप लोग को लिखना है सबलाइन टेक्स्ट, ठीक है, देन एंटर। देखो यहाँ पर sublinetext.com ये सबलाइन टेक्स्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे इसको। तो इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। देखो सबलाइन टेक्स्ट है, टेक्स्ट का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया। अभी हम लोग को विंडोज़ के लिए हम लोग को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर देखो विंडोज़ ऑल्सो अवेलेबल पोर्टेबल वर्जन, विंडोज 64 ऑल्सो अवेलेबल 64 वर्जन। तो 64 वर्जन को हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, डाउनलोड कम्प्लीट हो गया। अभी ओपन फोल्डर करेंगे। देखो यहाँ पर मेरा सबलाइन टेक्स्ट का exe फाइल दिख रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप लोग डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्लिक ऑन यस बटन, नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, इंस्टॉल कंप्लीट हो गया। फिनिश बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको अभी हम लोग बंद कर देंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। ओके, सबलाइन टेक्स्ट इंस्टॉल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग इसको ओपन करेंगे। पहले तो स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ पर सर्च में यहाँ पर लिखेंगे सबलाइन टेक्स्ट। देखो यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे HTML फाइल और उसको यहाँ पर लाएंगे। तो इसको मिनिमाइज करते पहले, तो एक फाइल क्रिएट कर फोल्डर क्रिएट करेंगे डेस्कटॉप के अंदर। तो राइट क्लिक किया, उसके बाद न्यू पे गया, न्यू पे जाके फोल्डर पे क्लिक किया और इस फोल्डर का एक नाम दे दिया HTML, ठीक है। अभी इस फोल्डर को हम लोग को ओपन करना है सबलाइन के अंदर। तो फिर से हम लोग सबलाइन पे जाएंगे, देन फाइल, देन ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो डेस्कटॉप के अंदर हम लोग का HTML फाइल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। देखिए तो यहाँ पर मेरा HTML फोल्डर आ गया। अभी इस HTML फोल्डर के अंदर एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पर एक फाइल आ गया। तो इस फाइल को हम लोग पहले नेम देंगे। तो फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देते index.html दे दिया, ठीक है। देन क्लिक ऑन सेव बटन। ओके, हो गया। देखो index.html। अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ HTML लिखेंगे, देन टैब प्रेस करेंगे। देखो पूरा आ गया। देखो HTML का जो कोडिंग इनिशियल स्ट्रक्चर होता है, देखो आ गया HTML हेड बॉडी पूरा आ गया, ठीक है। देखो इसके टाइटल के अंदर हम लोग एक दे देते हैं रॉकिंग सपोर्ट, दे दें रॉकिंग सपोर्ट, ठीक है, हो गया। अभी हम लोग बॉडी के अंदर कुछ डाल देंगे। तो बॉडी के अंदर हम लोग एक H1 लेते हैं। तो H1 लिखेंगे, फिर से टैब प्रेस करेंगे। देखो क्लोज हो गया, ओपन भी हो गया, क्लोज हो गया। ए हो गया आपका सबलाइन टेक्स्ट का एडवांटेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक लिखते हैं रॉकिंग सपोर्ट, ठीक है। इसको अभी हम लोग सेव करेंगे। ओके, उसके बाद इस टेस्ट को हम एक बार सेंटर कर देते, ठीक है। तो बॉडी के अंदर सेंटर लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे। देखो सेंटर ओपन हो गया, क्लोज भी हो गया। तो H1 टैग को हम लोग एक बार काट करेंगे और सेंटर के अंदर डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर से सेव करेंगे। देखो सेव हो गया। अभी हम लोग इस वेब पेज को रन करेंगे। तो हम लोग इसको मिनिमाइज कर रहे हैं और जो फोल्डर क्रिएट किया था HTML फोल्डर, इस फोल्डर को ओपन करेंगे और index.html फोल्डर को डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो रॉकिंग सपोर्ट आ गया, ठीक है। दैट्स इट। टाटा, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।